स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लास्ट टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड इट्स कंजर्वेशन। इससे पहले मैं लैंड सॉइल और वाटर के बारे में और उसके कंजर्वेशन के बारे में बता चुकी हूँ, तो ये हमारा लास्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। कुछ बच्चे थे स्कूल के जो कि एग्जीबिशन देखने गए हैं हैंडीक्राफ्ट की। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो वहाँ पे आर्टिकल हैं, जो वहाँ पे सामान हैं एग्जीबिशन में, वो देश के विभिन्न भागों से आए हैं। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड, दिस इज़ ब्यूटिफुल हैंड बैग। मोना ने वहाँ एक बैग उठाया और कहा, यह बैग बहुत खूबसूरत है। तो उसकी टीचर ने उससे कहा, यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड एंड चेयर। उन्होंने कहा कि ये देखिए, बाकी चीज़ें भी देखिए, बास्केट लैम्प शेड और चेयर, दोज आर मेड अप ऑफ कैंस एंड बम्बूज। तो वो केन और बम्बूज के बने हुए हैं। इन द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। तो जो इंडिया का जो ह्यूमिड रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहाँ पे बम्बू बहुत प्रचुर मात्रा में बोया जाता है, उगाया जाता है। जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। और जो जस्सी है, उसने सिल्क स्कार्फ देखा और वो बहुत खुश हो गई। सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट द सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि सिल्क जो है वो नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और हमें वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। और सिल्क वॉर्म की जो खेती है या फिर जो उसका पालन पोषण किया जाता है, वो मलबरी ट्रीज़ यानी शहतूत के पेड़ों में किया जाता है, जिससे सिल्क के कोकून से हमें सिल्क प्राप्त होती है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। इस तरह से बच्चे समझ गए कि जो प्लांट्स हमें प्रोडक्ट देते हैं, जो हमें प्लांट्स से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो हमारे जीवन में दिन ब दिन, मतलब दिनचर्या में, रोज़ हमारी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पूर्वक होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोसफियर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारी वन है, वाइल्ड लाइफ है, तो ये जो एरियाज़ हैं, ये एक कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, जैसे लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमोसफियर में। एटमोसफियर यानी वायुमंडल, जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो जलमंडल होता है, और लिथोस्फीयर जो होता है वो भूमंडल होता है। तो ये इन सब से मिलकर हमारा बायोस्फीयर बनता है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। यानी बायोस्फीयर में जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, वो एक दूसरे से संबंधित भी है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है, मतलब निर्भर भी करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इकोसिस्टम। और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, और हम इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और हम जानते हैं कि ये जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव द शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्पाइनटेल ऑयल, गम, मेडिकिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर आवर स्टडीज। यानी पेड़ पौधे जो हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे प्लांट हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी, जैसे लकड़ी का बहुत सारा सामान हम बनाते हैं, फर्नीचर बनता है। गिव शेल्टर टू एनिमल, जानवरों को वो आवाज़ देते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह से, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखें। क्रॉप्स उगाने के लिए शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प एंड स्टोरेज अंडरग्राउंड वाटर, और पानी को भी
सहेज के रखने में पेड़ पौधे बहुत आवश्यकता होती है। जैसे मैंने ट्रे वाला एग्जांपल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि देखिए जहाँ बेयर ग्राउंड पड़ा होता है वहाँ पे पानी को होल्ड करके रखना मुश्किल होता है, मिट्टी को होल्ड करके रखना मुश्किल होता है, लेकिन जब जब जहाँ पर हम प्लांट्स लगा लेते हैं तो वहाँ पर सॉइल को होल्ड करना काफ़ी हद तक पॉसिबल हो जाता है। गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, टे ऑयल, गम, मेडिकिनल प्लांट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यकता हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पेपर भी मिलता है जिससे जिस लकड़ी से आपको पता है पेपर बनता है, जो हमारी स्टडीज़ के लिए बहुत एसेंशियल है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट एंड यू कैन ऐड सम मोर। पेड़ों के इतने सारे उपयोग हैं और आप भी कुछ उनमें से ऐड कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म। और वाइल्ड लाइफ में हम जो है एनिमल्स को, बर्ड्स को या कीड़ों मकौड़ों को और एक्वाटिक लाइफ को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। यहाँ इससे हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं जैसे कि मिल्क है, मीट है, हाइड्स है और वूल। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, जैसे कि बी जो है मधुमक्खी, इससे हमें शहद मिलता है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, और ये फ्लावर के पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर यानी ये कीड़े मकौड़ों को खाती है तो ये डिकम्पोजर का भी काम करती है। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। और चिड़ियाँ भी इंसेक्ट्स को खाती हैं तो वो भी डिकम्पोजर का रोल प्ले करती हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज एन स्कैवेंजर। और वल्चर को हम इसलिए बहुत, वल्चर आपने गिद्ध देखा है, वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे जीव जंतु मर जाते हैं तो वो इन्हें खाता है और उनको खाने से जो हमारे वातावरण में गंदगी होती है यानी जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनके सफाया करने के लिए इस तरीके के जानवर होते हैं जिन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। एंड कंसीडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। और इसीलिए ये हमारे पर्यावरण का एक वाइटल क्लींजर है यानी सफाई करने वाला। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, यानी जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हर जानवर और हर प्राणी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए नेक्स्ट पेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है? द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। यानी ये जो वेजिटेशन है, ये जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का उस जगह का टेम्परेचर है और किस तरह का मॉइस्चर वहाँ पाया जाता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज। यानी इनको किन भागों में बांटा जाता है? इनको चार भागों में बांटा जाता है। पहला फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, वहाँ पे विशाल काय वृक्ष उगते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। क्यों? क्योंकि वहाँ भारी वर्षा होती है और प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है, वहाँ सप्लाई, वाटर सप्लाई अच्छी होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। और जैसे जैसे मॉइस्चर और पानी की कमी होती जाती है, डिक्रीज होता जाता है लेवल, वैसे वैसे पेड़ों के आकार में और उनकी घनत्व, जो उनकी डेंसिटी होती है, सघनता होती है, उसमें कमी आ जाती है। शॉर्ट स्टर्ड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी विश्व में जहाँ पर साधारण तौर पर रेन होती है, रेनफॉल होती है, वहाँ पर छोटे कद के पेड़ होते हैं और खूब सारी घास उगती है और उसको ही हम ग्रासलैंड एरिया मानते हैं विश्व का। थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। और जहाँ पानी की बहुत कमी होती है या जैसे शुष्क ड्राई एरियाज होते हैं, वहाँ पर झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ जैसे पेड़ पौधे उगते हैं। इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट एंड लीव्स विथ थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। मतलब
मतलब इन एरियाज में जो जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर डीप रूट होती हैं, और जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, और मॉइस्चर कम होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन भी कम ही होता है. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेन. और टुंड्रा वेजिटेशन में जो कोल्ड पोलर रीजन होता है वहाँ मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं, मतलब कि मॉसेस और लाइकेन जैसे पेड़ पौधे मिलते हैं. टुडेज देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 सेंचुरीज बैक. यानी 2 शताब्दियों से पहले, 2 सेंचुरीज से पहले जितने व्यक्ति थे उन आज से 2 सेंचुरी पहले, आज उनसे कहीं अधिक हैं. टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स. और इन लोगों के भोजन के लिए, इन लोगों के नंबर बढ़ने की वजह से जो खेती है वो बढ़ गई है, और इसकी वजह से फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया क्लीन करा जा रहा है खेती करने के लिए, क्रॉप्स ग्रोन करने के लिए. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली. और जो भी जंगल है, जो जंगल हमारी पृथ्वी, जहाँ पे जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वो बहुत जल्दी नष्ट हो रहा है, लुप्त हो रहा है. क्यों? क्योंकि जैसे बढ़ती जनसंख्या है वैसे उनके यूजेस बढ़ रहे हैं, वैसे उनकी फीड मतलब क्रॉप्स मतलब फसल वगैरह के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से वनों को नष्ट किया जा रहा है, उसके चलते बहुत ज़रूरी है कि हम इस वैल्यूएबल रिसोर्स को, इस बहुमूल्य संसाधन का कंजर्वेशन करें. सो द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो करें कैसे? फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ. जो फॉरेस्ट हैं हमारी धन संपत्ति हैं, हमारी वेल्थ हैं. प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. प्लांट्स जो हैं वो जानवरों को आश्रय देते हैं, उनको उनके लिए घर प्रोवाइड करते हैं, उनको उनकी छाया में रहने की जगह देते हैं, और ये साथ मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं. चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ये क्लाइमेट बदल रहा है या फिर जो ह्यूमन इंटरफेरेंस बदल हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पर है जो मानव जाति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस तरह से वनों को काट रही है, उन्हें ख़त्म कर रही है, तो ये जो नेचुरल हैबिटेंट हैं प्लांट्स और एनिमल के लिए वो नष्ट हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे. मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वल्नरेबल. बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं वो या तो लुप्त हो गई हैं या फिर वो ऐसी कगार पर, यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गई हैं, ऐसी कगार पे आ गई हैं कि उनकी प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं. सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कुछ तो ख़त्म ही होने वाली हैं. डिफॉरेस्टेशन, सॉयल अरोजन, कंस्ट्रक्टनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर द सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज. और ये जो डिफॉरेस्टेशन, यानी आपको पता है कटिंग ऑफ ट्रीज़, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, या फिर सॉयल अरोशन हो रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं, जगह जगह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, या फिर जंगलों में जो आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है, लैंडस्लाइड जैसे डिज़ास्टर हो रहे हैं, उसके चलते जो प्रजातियां हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़. पोचिंग का मतलब होता है बच्चों जब हम किसी जानवर का शिकार करते हैं, इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे भारी मात्रा में पर्टिकुलर स्पीशीज़, कोई एक प्रजाति नष्ट हो जाती है, उसके नंबर कम होने लगते हैं. द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इन लीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फैदर. यानी इन जानवरों का हर एक अंग बेच कर उससे जो उसे यूज़ किया जाता है, उसका बिजनेस किया जाता है, उसको एक व्यापार बना लिया गया है. लेकिन ये व्यापार इलीगल है, बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है, कानूनन तौर पर ये अपराध है. इससे स्किन, जो इसकी हर चीज़ यूज़ करी जाती है जानवरों की, जैसे कि उसके खाल, उसके नाखून, उसके दांत, उसके सींग, यहाँ तक कि उसके पंख भी यूज़ कर लिए जाते हैं सामान बनाने के लिए. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो
स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, ये सब जो जानवर हैं इनकी एक एक चीज़ को लोग व्यापार बनाते हैं, और जबकि ये इनलीगल है, बिल्कुल भी ये वैलिड नहीं है। दिस कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और इनको इनका कंजर्वेशन का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो धीमे धीमे नष्ट हो जाएगी। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वर आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और इनकी रक्षा करने के लिए ही नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर बनाए गए हैं, जिससे हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. अगर हम इन प्रजातियों के संख्याओं को छेड़छाड़ ना करें या उनको नष्ट ना करें तो हम अपने पर्यावरण में संतुलन बना के रख सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी पूरी दुनिया में ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेंट्स ऑफ द स्पीशीज़, वो नेचुरल हैबिटेंट को, जो जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनके आवास को डिस्टर्ब कर रही हैं अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। ड्यू टू दिस इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, सेवरल बर्ड एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये जो हत्याएँ हो रही हैं, जो अवैध शिकार किए जाते हैं चिड़ियों के, जानवरों के, इसके चलते बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल और कम्युनिटी लेवल, यानी हमें रीजनल और कम्युनिटी लेवल के लेवल पर इन अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ावा देना होगा, जैसे वन महोत्सव को बढ़ाना होगा। School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. और स्कूल के बच्चों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि वह चिड़ियों को देखने जाएं या फिर ज़ू को विज़िट करें, जिससे कि उनके उसको हैबिटेट को, जो वेरिड स्पीशीज़ होती हैं उनके हैबिटेट को अप्रिशिएट किया जा सके। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, और बहुत सारे देश जो हैं वो लॉ पास करें जिसके चलते ये चिड़ियों और जानवरों का जो शिकार है उसको रोक लगाई जा सके, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इन इंडिया किलिंग ऑफ लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज इनलीगल। हमारे देश में, हमारे भारत देश में शेर का शिकार करना या चीतों का या फिर हिरन का शिकार करना अवैध है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी जो हमारे वन हैं और जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल हैं, यानी वाइल्ड लाइफ है, उस पर हर इंसान की ड्यूटी है कि वो उसका कंजर्वेशन करे, उसका संरक्षण करे। तो ये वीडियो इसी में, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक था और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपसे अगले लेसन में फिर मिलूँगी। थैंक यू।